हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो हम बात करेंगे कि अगर आपका कोई फ़ोटो डिलीट हो जाता है, आपके फ्रेंड का या किसी का भी फ़ोटो आप अपने फ़ोन से डिलीट कर देते हैं, तो आप उसे कैसे रिकवर कर सकते हैं। आपको पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देख लेते हैं, तो आज के बाद आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि डिलीट हुई फ़ोटो कैसे रिकवर करते हैं। सारा कुछ आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा और आपको 2 से 3 एप्लीकेशन का रिव्यू करके भी दिखा दूँगा कि आप किस तरह से एप्लीकेशन का यूज कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, वीडियो के साथ बने रहना है, और साथ में चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा एप्लीकेशन है, आपको मैं दो तीन एप्लीकेशन बता दूंगा, जो आपको ईजी लगे उसे आप आसानी से यूज कर सकते हैं। तो जो सबसे पहला हमारा एप्लीकेशन है, डॉक्टर फोन है, तो आपको मैं आगे डाउनलोड करके सारी एप्लीकेशन बता दूंगा कि किस तरह से आपको डाउनलोड भी करना है। तो जो हमारा पहला एप्लीकेशन डॉक्टर फोन, इसे हम ओपन कर लेते हैं। जैसे आप इसे ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो यहां पर सबसे पहले आपको रिकवरी का ऑप्शन मिल जाएगा, साथ में ट्रांसफर का, और नीचे आप आएंगे तो यहां पर आपको बैकअप का और रिसाइकल बिन का, स्विच का, रूट का ऑप्शन मिल जाएगा। तो आप इनका यूज कैसे करेंगे वो आपको मैं बताऊंगा। मान लीजिए आपने कोई फोटो डिलीट कर दी है तो आप उसे रिकवर जरूर करेंगे, तो आपको क्या करना है, रिकवर पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहां पर रिकवर करेंगे तो रिकवर क्लिक करेंगे तो आपको कई सारे ऑप्शन यहां पर मिल जाएंगे। सबसे पहला ऑप्शन, आप फोटो भी और वीडियो भी, अगर आपने गलती कोई वीडियो भी डिलीट कर दिए तो आप उसे भी यहां से रिकवर कर सकते हैं, और फोटो वीडियो के साथ में कोई मैसेज आपका तो मैसेज भी रिकवर कर सकते हैं, और साथ में कोई मोबाइल नंबर भी आपका डिलीट हो चुका है तो आप उसे भी यहां से रिकवर कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं ये वर्क कैसे करते हैं। तो जैसे आप रिकवर फ्रॉम कैश पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा और आपकी पिक यहां पर ओपन हो जाएंगी। तो यहां पर आपको मैं बताने वाला हूं तो किस तरह वर्क ये करता है एप्लीकेशन। तो आपको नीचे यहां मिल जाएगा डीप रिकवरी का ऑप्शन, तो आपको इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो कुछ प्रोसेसिंग आपके फ़ोन में होने लगेगी, इस प्रोसेसिंग के आगे का स्टेप आपको मैं बताता हूं। जैसे कि ये प्रोसेसिंग हमारी कंप्लीट हो जाती है तो यहां पर डीप स्कैनिंग अभी हो रही है, तो आप जो जो यूज करते रहे होंगे तो यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ये ऐप में क्या होता है, इसमें आपको अपनी ईमेल फिल करना है। तो आप फिलहाल अपनी ईमेल यहाँ पर फिल कर देता हूँ। तो यहाँ पर जैसे आप अपनी ईमेल फिल करेंगे, इसके बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट करेंगे तो आपको नीचे मिल जाएगा सबमिटेड सक्सेसफुली, और कुछ देर बाद आपके फ़ोन में जो आपने मेल यहाँ पर फिल की है उस मेल पर एक ईमेल आ जाएगा। तो हम वेट करते हैं, जैसे ईमेल हमारे फ़ोन में आ चुका तो आप यहाँ देखेंगे तो इसमें बताया है डाउनलोड एंड इंस्टॉल डॉक्टर फोन ऑन योर कंप्यूटर। तो ये ऐप बता रहा है कि अब आपको क्या करना है कि यही ऐप को अपने कंप्यूटर सिस्टम में डाउनलोड करना है। लेकिन अब आपके पास कंप्यूटर सिस्टम है या नहीं तो इस ऐप को आप यहीं छोड़ सकते हैं अगर आपके पास कंप्यूटर सिस्टम नहीं है। अब हम बात करते हैं जिनके पास कंप्यूटर सिस्टम नहीं तो वो किस ऐप का यूज करेंगे। तो आपको चलना है अपने फ़ोन के प्ले स्टोर पर। यहाँ पर आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको सर्च करना है डिगर फोटो रिकवरी ऐप, यहाँ पर आपको मिल जाएगा। आपको दिखा देता हूँ, 1.6 MB का एप्लीकेशन है और इसकी रेटिंग आप देख सकते हैं 100 मिलियन डाउनलोडिंग है। तो आप समझ सकते हैं कितने लोग इस ऐप का यूज कर रहे हैं। तो आप इसे यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं, बिल्कुल आसान तरीका। अब हम बात करते हैं कि जो हमारी फ़ोटो, मान लीजिए कि जो आपकी पुरानी फ़ोटो हो वो कैसे रिकवर होती है। तो आपको मैं बता दूँ, जब आप किसी भी एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में डाउनलोड कर लेंगे तो वो एप्लीकेशन आगे डिलीट होने वाली फ़ोटो रिकवर करके दे देगा, ना कि जो आपकी पीछे फ़ोटो डिलीट हो चुकी वो फ़ोटो रिकवर नहीं कर पाता फ़ोन। ये 98% फ़ोन में ऐसा होता है, जो कि आपका फ़ोन का ऑपरेटिंग सिस्टम पे डिपेंड करता है कि वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम उस ऐप के कोडिंग को सपोर्ट करता है या नहीं करता। तो आपको मैं फिर बताना चाहता हूँ कि जो एप्लीकेशन ये होते हैं ये पुरानी फ़ोटो रिकवर नहीं कर पाते हैं 98%। 2% मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम की कोडिंग होती और आईपी कोडिंग होती मैपिंग की वजह से वो फोटो रिकवर करके दे देता। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि आपको कई सारे आपने वीडियो जरूर देखे होंगे जिसमें ये बताया जाता है कि फ़ोटो कैसे रिकवर करें। तो आपको मैं बता दूं, जब आप किसी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेंगे अपने फ़ोन में, उसके बाद अगर आप कोई अपनी फ़ोटो डिलीट करते हैं
तो वो एप्लीकेशन आपकी फ़ोटो रिकवर करके आपको दे देगा, ना कि आपने जब एप्लीकेशन का यूज नहीं किया है उससे पहले आप अपनी फ़ोटो डिलीट कर देते तो ये एप्लीकेशन आपकी फ़ोटो नहीं रिकवर कर पाते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ऐसे में आपको करना क्या, मान लीजिए आप कोई एप्लीकेशन नहीं यूज करना चाहते तो आप अपने फ़ोन का बैकअप अपने ईमेल आईडी में ले सकते हैं कि जैसे कि आपकी कोई भी गलती पिक फोटो कुछ भी डिलीट हो जाता तो आपको ईमेल पे आसानी से प्राप्त हो सकता है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि ईमेल पे कैसे बैकअप लेते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो आपको मैं बना के दे दूंगा, बिना किसी एप्लीकेशन यूज किए हुए अपनी फ़ोटो रिकवर कर सकते हैं। फिर भी कोई क्वेरी तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। साथ में वीडियो पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं, ना पसंद आए तो डिसलाइक कर सकते हैं और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।